फिर आज की वीडियो बहुत ज़्यादा कमाल होने वाली है। आज की वीडियो में आपको ऐसी लोकेशन पे लेके आया हूँ, 65 ईयर्स ओल्ड ढाबा है, आज भी भट्टी चूल्हे पे सामान बनाया जाता है और ढाबा पे कोई बोर्ड नहीं है 65 साल से। भाई साहब अपना नाम है, ब्रांड है, यहाँ पे चल रहा है दबा के। अब आओ आपको दिखाता हूँ खाना है कैसा। फिर अभी मैं आपको लेके आया हूँ खालसा ढाबा के अंदर, हमारे साथ पाजी हैं। सत श्री अकाल सर। सत श्री अकाल पाजी। थैंक यू सर, तुसी अपना कीमती टाइम दिता जी। थैंक यू सर, थैंक यू सर। अपना नाम दस दो एक बार। मेरा नाम गुरदीप सिंह। तो गुरदीप पाजी अपने बारे कुछ दसो, अपना ढाबा ढाबे का नाम की अपने। भाई अपना ढाबे नाम है खालसा ढाबा। खालसा ढाबा, हाँ जी। सर कितना पुराना ढाबा अपना? भाजी इन्हें घट्टो घट 60 to 65 साल हो गया है। ये मेरे ग्रैंड फादर रन करते थे। तो सर होता है कि एक बार दिखाओगे बर्तनों में, बर्तन काफी पड़े हैं सामने, या बर्तन चेक करो ढेर सारे बर्तन है खालसा ढाबा के अंदर। एक बार करके दिखाओगे? पहले आ गई अपने को दाल माँ छोले आ गई। वाह तो यार, ये आ गई दाल माँ छोले की पालक पनीर। वाह जी वाह, ये कमाल चेक करो, कितनी सुंदर रंगत है पालक पनीर की। साढ़े सामने ये जो है ये भट्टी चेक करो यार, इसी के ऊपर सब्जियां बनती है और इसी पे ही गर्म होती है। तो इसका फायदा क्या होता है भट्टी का? फायदा भाजी इधर टेस्ट ही अलग है। जेडे पुराने बंदे हैं उन्होंने एक बार पूछ के देखो कि आगे तो सामान बना रही हो लकड़ा से, ठीक है, टेस्ट ही होता है भाई। वाह, मतलब जो इसमें स्वाद आएगा वो गैस और कहते हैं ना अग्नि देवता जी, वो अपने आप स्वाद पा जाते हैं। क्या बात है। तो भाजी तीसरी सब्जी क्या है ये दिखाओ। ये इधर आ गई कढ़ी पकौड़ा भाजी। अब ये आ गया जी कढ़ी पकौड़ा, होए होए एकदम बढ़िया कड़ी जैसे घर में चलती है ना, और ढेर सारा घी के ऊपर। वाह अरे वाह यार, ये चेक करो एकदम घर जैसी आलू गोभी। सर सब्जी आप बनाते हो या आपके मम्मी बनाते हैं? नहीं भाई आप ही बनाई थी। आप खुद ही बना लेते हो? एज क्या सर आपकी वैसे? मेरी 22 साल। क्या बात है। तो 22 साल की एज में आप और पाजी आपके बड़े भाई मेरे साथ में, आप दोनों मिलकर ढाबा चलाते हैं। हाँ जी बहुत ही बढ़िया यार। अब ये सब्जी कौन सी? सब्जी इधर आ गई भाजी मटर। अरे वाह यार, धूप पड़ रही है, मटर पनीर संतुष्ट हो गए हैं, पर मटर पनीर बहुत ही जबरदस्त है यार। अरे वाह भाई, ये अपना तड़का स्पेशल तड़का। अच्छा, ये तड़का जो मैं कहता दाल में लग जाता है ये सारा, वो टमाटर प्याज अदरक लहसुन सारा कुछ ये भी चीज। वाह, तो ढाबा के बाहर ही तंदूर है यार, तंदूर के पास पड़े जी राजमा। वाह ओहो, चित्रे राजमा है ना जी? हाँ जी हाँ जी भाई। फिर राजमा ना मेरे को ऐसे पसंद है भाजी, पतली पतली ग्रेवी वाले। तो गुरदीप भाजी क्या खिलाने लगे फिर आप? भाई पहले आपा ताड़ी पालक पनीर नु तड़का लगाएंगे। वाह, अब ये कढ़ाई आ गई है, कढ़ाई भी थोड़ी कस्टमाइज है जैसे पहले ढाबों में चलती थी। ये आ गया टमाटर और प्याज का तड़का, बीच में तड़का पहले इकट्ठा लगा लेते हो आपने ना जी? हाँ जी हाँ जी भाई, ये तड़का पहले तैयार करके रखा होता यार। जो ये सेटअप है ना आप देखो एक बार, आपको ऊपर से दिखाता हूँ, ये मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आ गया आजकल की डेट में ना यार। पर एज 22 साल अपनी है ना, तो मतलब जो यंग जनरेशन है ना वो ऐसा ढाबा मैंने पहले कभी देखा ही नहीं। तड़का लग रहा है जी हमारे पालक पनीर को। ये आ गया कुछ मसाले। सर कितने की प्लेट है पालक पनीर की? पालक पनीर भाई 50 की आता है, 100 की। वाह, तो रेट भी जो है ना ये काफ़ी जायज़ है भाजी। मेरे को ऑफ द कैमरा बता रहे थे कि ये हमारे फादर साहब की ना विरासत है, मतलब उन्होंने शुरू किया दादाजी ने, तो हमने वैसा ही रखा है, इसको बदला नहीं। ते भाजी रेनोवेट करना भी नहीं आपा? वाह, अब ये चेक करो जी, ये तैयार हो रही है पालक पनीर, बहुत ही कमाल यार। मतलब यहाँ पे आके मेरे को जो खुशी मिल रही है ना, लोग आज की डेट में क्या कर रहे हैं, जो अपने पुराने बुजुर्गों ने चीज़ें बनाई होती ना उसको रेनोवेट करने में, उसको चेंज करने में लगे रहते हैं, पर आप भाजी उसी चीज़ के साथ अभी भी काम कर रहे हो। सही है जी, अगर मेरे को भी बहुत मज़ा आएगा यहाँ पे खाना खा के। अब ये हो गया जी पालक पनीर तैयार। अब भाजी कढ़ी बनाने जा रहे हो आप? तो यार जो कढ़ी है ना यहाँ पे जितने कस्टमर आ रहे हैं हर बंदा कढ़ी ऑर्डर जरूर कर रहा है। अब ये सेम प्रोसेस है यार, तड़का आ गया, बीच में हरी मिर्च आ गई और यहाँ से आएगा मसाले, और अब कढ़ी के लिए बर्तन खोलेंगे ना भाजी, आपको कढ़ी की लुक दिखाता हूँ। ये कढ़ी चेक करो यार, क्या कमाल है ना, कढ़ी तैयार हो गई है जी। वाह, ये हाफ क्वांटिटी ना सर अपनी? हाँ जी हाफ। बहुत ही बढ़िया, तो एक बंदे के लिए तो नफ है सर हाफ क्वांटिटी। मुझे पर एक बात बताओ, जो सारी रेसिपीज है यहाँ की, ये आप लोगों ने पापा से सीखी है दादाजी से? नहीं, मैंने बहुत छोटा थी जो दादाजी एक्सपायर हो गई। अच्छा, पापा से सीखी। तो आपके फादर साहब की रेसिपीज है? हाँ जी हाँ जी। तो ये स्कूल टाइम में सीखी है आपने? हाँ जी हाँ जी, स्कूल कॉलेज टाइम। जो सब्जियाँ हम देखते हैं कस्टमर आके, वो तो एक ट्रेलर होता है, बाकी इसके पीछे बहुत सारी मेहनत होती है बड़े घंटों की। हाँ जी हाँ जी भाई, बिल्कुल सही कह रहे हो। तो आलू गोभी तैयार है यार, बातों ही बातों में आलू गोभी बन के तैयार। कर दो साहब,
ये चेक करो जी आलू गोभी। तो भाजी तंदूर में क्या क्या होता अपने पास आइटम? भाई अपने को तंदूर से तंदूरी रोटी होती बस एक लच्छा परोठा, क्योंकि अपने को कोई मैदे या दूध नहीं होता, आटे की रोटी होती है। फिर यहाँ पे ना खालसा ढाबा की स्पेशलिटी है, यहाँ पे मैदा यूज़ नहीं किया जाता, यहाँ पे सिर्फ आपको आटे की रोटी मिलेगी और मिलेगा जी लच्छा पराठा। तो फटाफट अपनी तंदूरी रोटी लगवाते एकदम कुरकुरी सी। और ये क्या बना रहे हो सर? ये शाम से दाल, क्योंकि सवेरा से अपनी माँ छोले दाल होती है, ठीक है, माँ दाल। वाह, फिर रात की तैयारी चल रही है, माँ की दाल तैयार हो रही है तंदूर के ऊपर ही, भट्टी है नीचे। और फटाफट टेबल में बैठते हैं और आपको दिखाते हैं स्वाद कैसा है। तो यार जब पता लगा ना यहाँ पे जलंधर में 65-year-old ढाबा है, बहुत पुराना सेटअप बट रन किया जा रहा है 22-24 साल वाले लड़कों से, अगर मैं सुन के हैरान हुआ कि आज के टाइम में इतना पुराना ढाबा यंग जनरेशन कैसे चला रही है, वो भी पुराने स्टाइल से। बट यहाँ पे आगे सारे जो शक थे ना वो दूर हो गए। अब ये चेक करो आप खाना यहाँ का, पास आओ पास। अब यार जो यहाँ का खाना ना ये देखो, कढ़ी पकौड़ा, देसी ढाबों का मैं फ़ैन हूँ, कहीं भी हो ना आप कमेंट कर देना आपकी नज़र में भी कोई है, मैं पहुँच जाऊँगा भाई खाने वहाँ पर। अब यह है रायता, सिर्फ 20 रुपये का रायता लिया है, 50 रुपये की कढ़ी है, आलू गोभी एकदम बढ़िया तड़का लगा हुआ 50 रुपये में ये भी। और ये देखो भाई, ओए होए क्यों पेटू पानी आ रहा है मुँह में पानी, बढ़िया पालक पनीर। देसी ढाबों पे पता क्या होता है यार, जो फैंसी स्टफ होता है ना ताम झाम वो कम होता है और असल स्वाद ज़्यादा होता है। तो आपको दिखाता हूँ कढ़ी पकौड़ा, ये देखो पकौड़े को तोड़ेंगे, थोड़ा पकौड़ा तोड़ के कढ़ी के बीच में डिप की हुई काट काट के बनी कढ़ी, जो कढ़ी का स्वाद है ना वो ऐसा कि मैं रोज़ खाऊं, घर पे बनने वाली कढ़ी वैसी खटास है बढ़िया। और ये आलू गोभी तो यार हर हफ्ते आपके घर में तो बनती होगी ज़रूर, आलू तो वैसे ही हर घर में बनते ही बनते हैं। अब ये आई साथ में रायता, वाह एकदम ठंडा बढ़िया रायता। अगर आप फैंसी सिटिंग एसी वेसी के फ़ैन नहीं ना हो, एक्चुअल टेस्ट के फ़ैन हो तो यहाँ आना ज़रूर बनता है। अगर आप फ़ैन हो एसी वेसी में बैठ के खाने के कि भाई कोई आए, हाँ जी सर आपका ऑर्डर सर, आपको पहले जो पानी की बोतल मिले वो भी 50 में मिले 20 वाली, तो ये जगह आपके लिए नहीं है, पैक करवा लेना यहाँ पे, घर जाके एसी में खा लेना बट छोड़ना मत। अब ये लो पालक पनीर, प्रॉपर पालक ही किक है। और बाकी रही बात, जितने भी हम फूड ब्लॉगर्स हैं ना, प्रोफेशनल शेफ नहीं है हम, जो दिल में होता है जैसा लगता है फूड खा के वैसा आपको बता देते हैं, जेब पे हल्का स्वाद में भारी। लोकेशन के लिए जारी रहो वीडियो में, सही बोली भाजी हिंदी, जो भी है चलो आ जाओ फटाफट। तो पेटू सिंह जी लोकेशन बता दो इनकी। लोकेशन पर ही अपने आप में लैंडमार्क है वैसे तो, नहीं तो ये पड़ता है राइट साइड पे ज्योति चौक, और ज्योति चौक के बिल्कुल पास में आपको पड़ेगा जी ये खालसा ढाबा। किसी ब्रांड का मसाज नहीं है, किसी नेम बोर्ड का मसाज नहीं है, ये ढाबा अपने आप में एक पहचान है।